हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। आईओएस 13.4 पिछले 48 आवर से यानी कि 48 घंटे 2 दिन से जो है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपने प्राइमरी फ़ोन पे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने जो सेकेंडरी फ़ोन यहाँ पे रखे हुए हैं उस पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कुछ अच्छा है, क्या बुरा है, सही है, गलत है, आपको इंस्टॉल करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इंस्टॉल जिसको नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको देने वाला हूँ। इसी के बाद बात करेंगे दोस्तों iPadOS 13.4 के बारे में और iOS 12.4.6 के बारे में, watchOS 6.2 के बारे में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं iOS 13.4 के बारे में। तो iOS 13.4 जो है दोस्तों एक काफ़ी बड़ा अपडेट था, ऑलमोस्ट जो है 1 GB का अपडेट था और इसमें जो है काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी हमको जो है वो देखने को मिले, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है जिसके लिए हम फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं वो है सेलुलर कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, वाईफाई वगैरह। तो यहाँ पे मुझे जो है इस पर कोई भी इशू नहीं आ रहा है। सेलुलर जो है काफ़ी अच्छे से चल रहा है। वाईफाई की अगर बात करूँ तो वाईफाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और वाईफाई और सेलुलर के बीच में अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क जाने का या बार बार जो है एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने का प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी जनरल डे टू डे यूज़ के अंदर अगर हीटिंग इशू की बात करूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हीट हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हीट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो फ़ोन है iPhone 11, ये मैं इसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे iPhone XR है, वो भी जो है एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ साफ तौर पे कि कोई भी हीटिंग जो है एक्सेसिव मुझे जो है महसूस नहीं हो रही। हीट तो हर फ़ोन होता ही है अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो, लेकिन एक्सेसिव हीटिंग जो है, ज़्यादा हीट जो होने लगता है, एकदम गर्म हो रहा है तब गया है, ऐसा कुछ भी मेरे फ़ोन में नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये भी है दोस्तों कि मुंबई के अंदर जो है आजकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। दिन के दौरान पे ज़्यादा है लेकिन रात में जो है कूल ही रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है लॉकडाउन, क्योंकि हम लॉकडाउन है, घर में अपने बंद है, इसकी वजह से जो है दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सेसिव हीट जो है अपने फ़ोन पे देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर देखने को मिल रही है दैट इज़ एबनॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। जो कि मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मेरे iPhone 11 पे, iPhone XR पे और बाकी सारे iPhones के ऊपर जो है कोई भी एक्सेसिव हीटिंग नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज मैं घर में हूँ। शायद अगर मैं बाहर चला जाता, बाहर जो है फ़ोन को एक्सटेंसिवली यूज़ करता तो थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू जो है वो देखने मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आपका घर जो है बहुत ज़्यादा हॉट है या नहीं, आपके एरिया में जो है बहुत ज़्यादा हीट है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो आपको नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जो है हीटिंग देखने मिल सकती है, लेकिन इतनी भी कोई फिगर करने की उसमें बात नहीं है। अगर अगली चीज़ के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो सारे एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करके देखा और मैं जो है जानबूझकर यहाँ पे जो है बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे रखता हूँ। देख सकते हैं आप कितने सारे एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, सारे के सारे जो एप्लीकेशन है मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है। अभी शॉपिंग वगैरह तो हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते, लेकिन शॉपिंग एप्लीकेशंस भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर जो है मुझे एक प्रॉब्लम देखने मिला, वो है फेसबुक से रिलेटेड, जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। आपको प्रॉब्लम देखने मिल रहा है नहीं मिल रहा है बताइए मुझे। वाईफाई पे अब हो सकता है मेरे घर का जो ब्रॉडबैंड है, जो वाईफाई कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जब मैं वाईफाई को ऑन रखता हूँ तो फेसबुक वीडियो जो है वो बफर करता है, रुक रुक के चलता है, लेकिन जब मैं इसको जो है जियो पे इस्तेमाल करता हूँ तो फेसबुक वीडियो जो है बिना बफर के चलता है, कभी कभी अटक भी जाता है, जिसकी वजह से मुझे वाईफाई को ऑफ करना पड़ता है और जियो या मोबाइल डेटा जो है उस पर मुझे चलाना पड़ता है। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहा है कि नहीं, इसके बारे में नीचे कॉमेंट्स में लिख के बताइए। बाकी इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। यूट्यूब एप्लीकेशन भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई भी इशू इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें दोस्तों, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज जो हालात है उसमें जो है कैश की जगह ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि कैश के लिए आपको ATM वगैरह जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारे एप्लीकेशन जो है बैंकिंग से रिलेटेड ये भी इस्तेमाल करके देखे और सारे जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बहुत लोगों की कंप्लेंट थी, मेरी भी कंप्लेंट थी कि अच्छे से नहीं चलता है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन भी अच्छे तरीके से चल रहा है। आज ही मैंने जो है फंड ट्रांसफर किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपने HDFC बैंक के अकाउंट में, एकदम अच्छे तरीके से हो गया। गूगल पे भी अच्छे तरीके से चल रहा है, पेटीएम वगैरह सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से चल रही है। बाकी अगर गेमिंग वगैरह की बात करें दोस्तों, तो जो सबका फेवरेट गेम है पबजी, जनरली जो पब्लिक खेलती है और जो थोड़ा ग्राफिक इंटेंसिव गेम भी है उसको भी खेलने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कुछ हीट देखने को नहीं मिलेगी। अगर घर में बैठ के आप खेल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, तो सब चीज़ें बता देता हूँ। बहुत लोगों का बोलना ये है कि जब से हमने अपडेट किया है तो हमारा जो चार्जिंग है वो 80% से ऊपर जो है चार्ज नहीं हो रहा फ़ोन का। इसका रीज़न जो है अपडेट नहीं है, इसका रीज़न है हॉट टेम्परेचर। अभी गर्मी जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे और आपके फ़ोन के अंदर जो है ये बिल्ट इन प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि अगर हीट बहुत ज़्यादा हो रही है तो चार्जिंग परसेंटेज जो है
उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, यानी कि चार्जिंग को ही स्टॉप कर दिया जाएगा और आपका फ़ोन जो है वो 80% 60% 50% के ऊपर चार्ज नहीं होगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो चार्ज होगा। इसके जो इंटरनल्स होते हैं फ़ोन के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ होती है, इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे चाइनीज़ फ़ोन्स या सैमसंग के फ़ोन्स भी आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ब्लास्ट होते हैं, जबकि आईफोन्स के मामले में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो इसका रीज़न ये है कि आपकी बैटरी, आपके फ़ोन के इंटरनल्स, आपके कॉम्पोनेंट्स जो है फ़ोन के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ दी जाती है। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों की कंप्लेंट अभी तक आई नहीं है लेकिन आएगी, इसके लिए मैं पहले बता देता हूँ। पबजी खेलने के टाइम पे अगर आपके फ़ोन की ब्राइटनेस जो है अचानक से कम हो जाती है, सपोज़ जो है ऐसी हो जाती है ब्राइटनेस, या ऐसी हो जाती है खेलने में बड़ी दिक्कत आपको आती है और आपने ऑटो ब्राइटनेस वगैरह जो है वो भी ऑफ़ कर दिया और रिड्यूस वाइट पॉइंट भी ऑफ़ कर दिया, सारी चीज़ें करके देख ली लेकिन ब्राइटनेस जो है वो कम रह रही है, उसका रीज़न भी है एक्सेसिव हीट। आपके फ़ोन के इंटरनल्स, डिस्प्ले, बैटरी, सारे कंपोनेंट्स को बचाने के लिए जो है आपका फ़ोन उसकी ब्राइटनेस को लो करता है ताकि आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं हो। और ये चीज़ जो है उन्हीं लोगों को जनरली मैंने देखा हूँ होते हुए जो लोगों ने घर से बाहर जो है पबजी खेला है धूप के अंदर। जब मैंने भी पिछले साल जो है पबजी एक बार धूप के अंदर खेला था बाहर आउटडोर्स के अंदर, उस टाइम पे मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। अब आ जाते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो है बैटरी लाइफ। अब बैटरी लाइफ की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो है सारे फ़ोन्स को कंसिडर करना चाहता हूँ और इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। बैटरी लाइफ मुझे फिनोमिनल मिल रही है, कोई भी इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है आईफोन 11 के ऊपर। iOS 13.3.1 के अंदर भी मुझे बैटरी लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे जो है पोस्ट भी किया था कि फुल डे की बैटरी लाइफ जो है मुझे देखने मिली। अगर आप पबजी खेलते हो तो ही आपको जो है बैटरी ड्रेन होती भी नज़र आ सकती है, यानी कि पूरा दिन नहीं चलेगी। अदरवाइज़ आप कोई भी काम कर लो, आप YouTube देख लो, आप सोशल मीडिया को जितना ब्राउज करना है कर लो, आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लो, आपकी बैटरी जो है दिन भर में डेड नहीं होगी। ये तो बात थी दोस्तों आईफोन 11 की। आईफोन 10R की भी अगर बात करूँ तो आईफोन 10R के ऊपर भी जो है हमारे वो पबजी वगैरह आप आराम से खेल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे भी बैटरी लाइफ जो है बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, एट पार है आईफोन 11 से। 19-20 का फ़र्क आप बोल सकते हो या 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। आईफोन 11 नया फ़ोन है, आईफोन 10 उसे एक साल पुराना है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम बैटरी लाइफ दोनों फ़ोन्स में देखने मिलेगी। और ये अपडेट भी आपको जो है बैटरी लाइफ के मामले में निराश नहीं करेगा अगर आपके पास आईफोन 10R है, अगर आपके पास आईफोन 11 है तो। पुराने मॉडल्स की अगर बात करें दोस्तों, जैसे मेरे हाथ में है आईफोन 6S, आईफोन SE है और यहाँ पे जो है आईफोन 7 प्लस भी रखा हुआ है, तो ये सब मॉडल्स के ऊपर जो है दोस्तों आपको जो है इतनी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। ये मॉडल जो है ये थोड़े पुराने भी हो चुके हैं, इतने भी नए मॉडल्स नहीं हैं और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे और बैटरी हेल्थ भी जो है आपकी वो कम होती रहेगी, अपडेट्स की वजह से नहीं बट यूज़ करते करते जो है बैटरी हेल्थ आपकी कम होना ही है, तो उसकी वजह से जो है आपको इतनी अच्छी बैटरी लाइफ देखने नहीं मिलती। इसलिए जनरली आप देखेंगे कोई भी अपडेट आ जाता है उसके बाद जो पुराने आईफोन के यूज़र्स है वो थोड़ा कंप्लेन करते ही है। एनीवेज इसका भी अपडेटेड वर्जन जो है iOS 13.4 का वो भी आ सकता है कुछ दिनों में, 13.4.1, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो नए आईफोन्स होते हैं जनरली इनके यूज़र्स ने इनको जो है नया ख़रीदा होता है और इस पर जो है बैटरी हेल्थ भी ज़्यादा रहती है, और क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में कभी भी याद रखना बैटरी जो है जल्दी जल्दी ड्रेन होगी आपकी फ़ोन की, चाहे कोई भी फ़ोन आपके पास हो, क्योंकि हीट जो है वो बैटरी का दुश्मन है। iOS 13.4 की बात तो हो चुकी दोस्तों, अब iPadOS 13.4 ये जो है एक्चुअल कमाल की चीज़ें। मैंने आपको बता चुका हूँ कि माउस जब आप कनेक्ट करते हो तो पॉइंटर जो है, माउस का जो कर्सर है, पॉइंटर है, वो जो है किस तरीके से एकदम एक कंप्यूटर के तरह पे या मैक के तरह पे जो है काम करता है, अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग तरीके से काम करता है, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एक यहाँ पे जो है बहुत अच्छा फीचर इन्होंने दिया है और स्टेबिलिटी जो है इसके यूज़ का, इसकी बैटरी लाइफ जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने मिलेगी। आईपैड में जनरली बैटरी जो है वो फिनोमिनली होती है, वो अच्छी होती है, कोई भी इशू आपको देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे आईपैड में भी कोई भी नेटवर्क इशू, कोई भी चीज़ जो है ऐप क्रैशिंग वगैरह मुझे देखने मिली, ऐप की स्टेबिलिटी भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पहले के मुकाबले। iPhone 6s और iPhone 5s के लिए जो है iOS 12.4.6 का अपडेट जो है एप्पल ने पुश किया था, जिसका वीडियो मैंने कल बना के बताया था आपको। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि एप्पल जो है पुराने पुराने iPhones जो है 4 साल 5 साल 6 साल पुराने iPhones को भी भूल नहीं रहा है, उनको भी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहा है ताकि सिक्योरिटी जो है अप टू डेट रहे, आपके iPhone की कोई भी इशू जो है आपको इसमें नहीं आना चाहिए। बहुत छोटा सा इंक्रीमेंटल अपडेट था, 40 MB का अपडेट था, उसमें कुछ नया आपको देखने नहीं मिलेगा, बस जो भी सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये वाले अपडेट्स पुश किए जाते हैं, तो वो भी अपडेट जो है आप कर सकते हो। मैंने इसको यूज़ किया है ऑलमोस्ट जो है 24 घंटे, मुझे इसमें कोई भी जो है इशू नज़र नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों ने बोला बैटरी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं है अपडेट करने के बाद, फिर से मैं वही बोलना चाहता हूँ कि गर्मी का मौसम है, बैटरी लाइफ आपको इतनी ज़्यादा ग्रेट
किसी भी फ़ोन के ऊपर देखने नहीं मिलने वाली। वॉच ओएस 6.2 के बारे में भी बात करें दोस्तों, वॉच ओएस 6.2 भी मैंने जो है अपनी वॉच पे अपडेट किया था, और अगर आप iOS 13 पे अपना आईफोन चला रहे हो तो आपको वो 6.2 का अपडेट आएगा, अदरवाइज 5 सीरीज़ का अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छा जो है ये वॉच ओएस है, और इसके बाद जो है अपडेट करने के बाद जो फ्लूडिटी वगैरह है वो वैसी ही है, ऐसा कोई आपको लैग वगैरह देखने मिलेगा चाहे आपके पास पुरानी एप्पल वॉच क्यों ना हो। और बैटरी लाइफ की भी अगर बात करूँ मैं एप्पल वॉच की, तो यहाँ पे जो है बैटरी लाइफ भी जो है काफ़ी अच्छी है, पूरा दिन मैंने यूज़ किया, अच्छे तरीके से यूज़ किया, नेट से जो है पूरा टाइम कनेक्टेड था, वाईफाई से और साथ साथ मेरे फ़ोन के साथ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है बैटरी अभी भी 31% है। तो आराम से जो है आप इसको 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास कौन सी एप्पल वॉच है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से वॉच ओएस भी चल रहा है। तो दोस्तों ये था iOS 13.4, iPad OS 13.4, वॉच ओएस 6.2 और iOS 12.4.6 आपके लिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है दोस्तों इन सारे अपडेट्स के साथ? जो भी आपको तकलीफ हो रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मुझे और बाकी लोगों को भी जो है इससे मदद हो सके, इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग जो है क्लियर करने की भी उसको कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।